वेलकम बैक टू अनदर ट्रैवल व्लॉग। और ये आज हम हैं बहरीन में। बहरीन में बड़ा ख़तरनाक टेम्परेचर था कल, आज जब आए तो 3 टेम्परेचर डिग्री चल रहा था। अभी इस वक्त जो है 4 चल रहा है, जो आप ये मेरे फ़ोन स्क्रीन पे देख सकते हैं। अभी फ़िलहाल बड़ा ज़बरदस्त मौसम हो गया था सुबह के। सुबह के 7:30 बजे होंगे या 8 बजे होंगे, 8 बजे हैं सुबह के। और मौसम बहुत ज़बरदस्त है। अगर मैं इसमें बहरीन में हूँ सवात में, जो कि बड़ा ज़बरदस्त मौसम है यार। धूप को पता ही नहीं है भाई, कराची में फिर तो इस टाइम पे धूप शुरू हो जाती है। इस्लामाबाद में भी था तो वहाँ पे भी धूप का पता चल रहा था, और मैंने पिंडी में था तो वहाँ पर भी धूप फील हो रही थी इस टाइम पर। लेकिन अभी यहाँ पे धूप फील नहीं हो रही, धूप है ही नहीं। दिखाता हूँ आपको कैमरे से, देखिए सामने का हाल ये थोड़ा तक क्लियर आसमान है, लेकिन धूप को ज़्यादा पता नहीं है। सामने बहरीन और होटल के सामने, बहरीन कॉन्टिनेंटल होटल के सामने पहाड़ नज़र आ रहा है आपको, बहुत ही बड़ा पहाड़ है। सारे नीचे कोचेस वगैरह गाड़ी हमारे खड़ी है हमारे, जिसमें हमें सफ़र करना है। आगे आज जाएंगे हम उशी फॉरेस्ट और कलाम के लिए, तो मज़ी देखते रहिए। बस अभी इस दूर का नाश्ता वाश्ता करेंगे, नाश्ता करके निकलेंगे आगे, तो देखते हैं अभी चले फिर मिलते हैं आगे। इस वक्त हम आपको दिखाते हैं एक नहर बहरीन की, और ये देखो भाई बहरीन की नहर। अगर मैं नीचे जाऊंगा तो मैं नीचे चले जाऊंगा, पीछे नहीं आऊंगा वापस। ये ऐसी नहर है, ये देखें भाई ज़बरदस्त यार। अल्लाह की कुदरत से आप समझ नहीं पाएंगे भाई, माशाल्लाह। ये पहाड़ साथ ही ऊपर, पिछले साल यही पहाड़ से मतलब टूटा उठा था, और फिर यहाँ से एक बहरीन जो था एक ऊपर की तरफ पूरा डिस्ट्रॉय हो गया था, तेल में से एक जगह बहुत खूबसूरत है माशाल्लाह। फिर हम बहरीन की मार्केट में, बहरीन की मार्केट जो है इस वक्त बंद हुई भी है, ज़्यादातर खुली हुई है। मतलब ऐसा है कि होटल जो खुले हैं उनके ही मतलब नाश्ते वगैरह की जगहें खुली हुई, हल्का फुल्का काम चल रहा है मार्केट में। पूरी बड़ी बड़ी वेल इस्टेब्लिश नहीं, क्योंकि पीछे एक साल पहले जो सैलाब आया था मेरे ख्याल से ये भी मार्केट उसमें इफेक्ट हुई थी। मतलब देखिए ये भी बग हुआ है सारा, ये कंस्ट्रक्ट हो रहा है यहाँ पे, ये चक्कर है सारा। अभी हम जाएंगे नाश्ता करने के लिए, फिर नाश्ता दिखाते हैं आपको वहाँ पे, सही है। अच्छा तो बात ये थी कि हम जब नाश्ते के लिए जा रहे थे नीचे, तो मैंने कोई शॉट बना ही नहीं पाया, इतने मैं उस माहौल में लग गया था। जैसे जो स्ट्रीट थी और फिर जो उसके साथ जो उसके साथ नदी थी बहरीन वाली, उसके बाद कुछ मुझे दिमाग में रहा ही नहीं कि मैं नाश्ते का कोई क्लिप बना सकूँ। नाश्ता बहुत ज़बरदस्त था वहाँ का, पराठे थे और छोले वगैरह जो होते हैं नाश्ते में, चाय बड़ी मज़े की थी वहाँ की, तो उसको इन्जॉय करते हुए मैं कोई क्लिप बना ही नहीं सका। लेकिन आगे ज़रूर और क्लिप्स हैं, उशू फॉरेस्ट का है, फिर साथ ही साथ कलाम की तरफ है, तो वो ज़रूर दिखेगा। बहुत मज़े के एंजॉय करेंगे तो बस। इस वक्त बस का सफ़र स्टार्ट हो चुका है और जा रहे हैं कलाम उशू फॉरेस्ट की तरफ, तो साथ में बस के शॉट्स डालते रहूँगा, देखते रहिएगा। Oh,
किस दवाई करेंगे यहीं पे यार करवा लो। हम पहुंच गए उशु फॉरेस्ट। ये देखें बड़े बड़े दरख्त वगैरह बने, यही पहचान है उशु फॉरेस्ट की। दो साल पहले जब आया था तो यहाँ पर इसी जगहों पर बर्फ मतलब थी। अभी मार्च का मंथ है, मार्च के मंथ में जो है इतनी बर्फ नहीं है ऊपर की तरफ। ऊपर के जो ग्लेशियर्स वगैरह हैं यहाँ पर कोई ऐसी बर्फ़ की सिचुएशन नहीं है नीचे का ऐसा, इसलिए बाकी अभी इसको इंजॉय कर रहे हैं। फिर आगे के जो भी मनाजर हैं दिखाते हैं। अभी ग्लेशियर जाने ऊपर हम लोग जीप से आए हैं। ये जीप हमारी यहाँ आगे खड़ी नज़र आ रही है। ये जीप खड़ी हुई जिसमें हमने सफ़र करा कलाम बाज़ार से ऊपर आते हुए। अब आगे ग्लेशियर पे जाएंगे इसी में। तो देखते रहिएगा, सब्सक्राइब मस्त है और वीडियोस में डालता रहूँगा इंशाल्लाह। चलें फिर आगे चलते हैं। ये उशु फॉरेस्ट के एंड की तरफ आया हूँ शायद मैं, और यहाँ पर बहुत तेज़ हवा है। जो हवा चल रही है पानी की नहीं है, मतलब पानी की हवा की वजह से आवाज़ पैदा हो रही है, लेकिन ये पत्ते जो हैं आपस में टकरा रहे हैं। तो इस वक्त हम लोग कलाम पहुंच चुके हैं, और कलाम आपके सामने पूरा बर्फ़ से एक टुकड़ा भरा हुआ। ये ऊपर से बर्फ़ पूरी पूरी बर्फ़ ये पिघल रही है। दिखाऊँ, ये देखें बर्फ़ पिघल चुकी है अपने उस नॉर्मल फॉर्म में। इस वक्त जमी होती है सही से, मतलब ये मेरे ख्याल से 8-10 दिन पहले की बर्फ़ है जो कि है, और बड़ा अच्छा लग रहा है। फुल इन्जॉयमेंट चल रही है यहाँ पर। एक पहाड़ दिखा दूँ आगे की तरफ, ये चेक करें आप। माशाल्लाह अल्लाह ताला की कुदरत चेक करें। ऊपर बादल है, पहाड़ है, पहाड़ के ऊपर बर्फ़ ही बर्फ़, और क्या सही नज़ारा है, ज़बरदस्त। जो शॉर्ट्स हैं वो मैंने डाले हुए, आगे इसके बाद आएंगे देखिएगा ज़रूर। अच्छा, तो अपनी पब्लिक के लिए एक ये अर्ज़ करूँ, और वो छोटा सा अर्ज़ ये है कि, और वो अर्ज़ ये था कि कलाम की पिक्चर्स वगैरह जो मैंने बताई कि शॉर्ट्स वगैरह मैंने बनाए हुए हैं वो इस क्लिप के बाद आएंगे। और ये क्लिप बनाने का मकसद ये है कि बस इतनी सी बात है कि भाई वीडियो को लाइक ज़रूर करें, शेयर करें दोस्तों के साथ, और सब्सक्राइब तो लाजमी होगी। सब्सक्राइब नहीं करा तो मज़ा नहीं आएगा, क्योंकि आगे वीडियोज़ आएंगी और मज़ीद मालम जब्बा की, और एंड वापस इस्लामाबाद से हम लोग जब आएंगे तो वो क्लिप है, वो क्लिप क्या मतलब पूरी वीडियो, तो वो ज़रूर देखिएगा, और वापस सब्सक्राइब लाजमी है, सब्सक्राइब।